रचना की अपनी एक दुनिया होती है, इसलिए रचना को, कविता को एक क्रिएटिव वर्क, रचनात्मक कार्य माना जाता है। काव्य की जितनी भी प्रमुख विधाएं हैं, गीत है, गज़ल है, दोहा है, छंद है, माया जी हर विधा में लिखती हैं। तो माया जी ने कई गज़लें भी कही हैं और एक गज़ल माया जी आपकी चांद पर है, तो मैं चाहता हूँ कि चांद वाली गज़ल के चार छः शेर सुनाएं। हमारे शायरी की दुनिया के बहुत सारे शायरों ने चार चांद पे लिखा है और आप सुनेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि माया गोविंद जी ने अपना रंग घोल दिया है। जितना तन्हा तेरा चांद उतना तन्हा मेरा चांद। क्या बात जितना है। जितना तन्हा तेरा चांद उतना तन्हा मेरा चांद। तेरे नैनों की चौखट पे, तेरे नैनों की चौखट पे सहमा टूटा बिखरा चांद। क्या बात है, क्या बात है। तेरे नैनों की चौखट पे सहमा टूटा बिखरा चांद। पतझर के सूखे पत्तों पर ये शेर, पतझर के सूखे पत्तों पर शबनम है या रोया चांद। क्या बात है। पतझर के सूखे पत्तों पर शबनम है या रोया चांद। नैनों का वीरान शहर था, नैनों का वीरान शहर था जिसमें मैंने खोया चांद। क्या बात है, क्या बात है। नैनों का वीरान शहर था जिसमें मैंने खोया चांद। झील के ठहरे पानी में ही, झील के ठहरे पानी में ही मैंने गहरा बोया चांद। वाह। कितनी है शफाफ चांदनी, कितनी तेज चांदनी है, कितनी है धुली धुली शफाफ चांदनी, अश्क से मैंने धोया चांद। वाह। ये एक अलग ढंग का शेर सुनेगा जी, कि ख्वाब में राधा से जब पूछा, ख्वाब में राधा से जब पूछा देखा मेरा गोरा चांद। वाह। राधा बोली चांद और गोरा मैंने देखा काला चांद। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मेरे नन्हे सपने बनकर बरसों मुझसे खेला चांद। मेरे कमरे की खिड़की पर पहरों टिक कर सोया चांद। और ये देखो कि घटता जाता है ये पल पल, चांद घटता भी है, घटता जाता है ये पल पल, सबने खूब निचोड़ा चांद। क्या बात है। सबने खूब निचोड़ा चांद। और आखिरी शेर है, मैंने पेबंद लगा लगा कर, मैंने पेबंद लगा लगा कर ओढ़ लिया है पूरा चांद। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। हाँ बिल्कुल। कितनी है शफाफ चांदनी, अश्क से मैंने धोया चांद। क्या बात है, क्या बात है। कितनी है शफाफ चांदनी, अश्क से मैंने धोया चांद। क्या बात है। अश्कों से धुलने के बाद चांदनी कितनी उज्जवल हो जाती है। पतझर के सूखे पत्तों पर शबनम है या रोया चांद। क्या बात है। वाह बहुत बढ़िया।